मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन जीमेट प्लेटफॉर्म। बच्चों, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे आ जाइए, हम अपने सेशन को स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, जितना भी अपडेटेड कंटेंट है आपके साथ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़ जाएंगे। बिल्कुल बहुत बेहतरीन आपके केमिस्ट्री के एज वेल एज बायोलॉजी के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, और सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक बेसिक जानकारी आपके लिए बच्चा, कि हमारा ये जीमेट प्लेटफॉर्म है जिससे आप हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। हमारा जीमेट ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर से जैसे ही जीमेट ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से होम स्क्रीन दिखाई देगी, और इसमें सारी सुविधाएँ आपको मिल जाती हैं, लाइक पेड कोर्सेस, यूट्यूब क्लासेस, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, फ्री टेस्ट, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप ले सकते हैं, अपने बैच को देख सकते हैं, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने बैच को चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पेमेंट के ऑप्शन है, आप जिस भी पेमेंट में कंफर्टेबल हैं उसके हिसाब से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको सारी सुविधाएं बच्चों मेरे के पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, डाउनलोडिंग ऑप्शन, स्पीड कम ज़्यादा, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, है ना। और साथ ही साथ टेस्ट की सुविधाएँ भी आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये एक रनिंग बैच है, ड्रीम ALP बैच, जो आपको 1499 रुपीज़ में मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग कोड BIG14। सारी चीज़ें हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, PDF नोट्स हैं, वीकली टेस्ट हैं, प्रीवियस ईयर के सारे पूछे गए क्वेश्चन हैं, सभी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं, है ना। तो एक बार फिर से सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, है ना। और सारे बच्चे एक बार सेशन को धुआंधार तरीके से शेयर करते चलेंगे, और हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये वही क्वेश्चन है जो बच्चे अभी पूछे जा रहे हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चन आपको ईजी भी लग सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी लग सकते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि बहुत ईजी कर दिया या बहुत टफ कर दिया, है ना। और देखो, अंशिता का ऑप्शन भी, आंसर भी आने लगा है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर, बेहतरीन आपकी शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, है ना। पहले क्वेश्चन में हम टिका देते हैं तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, इसलिए पहला क्वेश्चन आपके हिसाब से लाया गया है कि आपको आना चाहिए, है ना। चलिए, ब्लू बेबी नामक प्रदूषणकारी बीमारी पीने वाले जल में निम्न किसके अधिक विद्वान होने के कारण होती है। ये ब्लू बेबी एक हमारी बीमारी होती है, हाँ हो जाएगी बेटा, हो जाएगी, ठीक है। चलिए, ब्लू बेबी हमारा एक बीमारी है जो प्रदूषण कैसे पानी पीने से होती है, पानी में क्या मिल जाए कि ये हमारी ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। बेटा, नाइट्रेट के मिलने से, किसके मिलने से, बहुत बेहतरीन, नाइट्रेट के मिलने से ये हमारे ब्लू बेबी आपका डिसीज हो जाता है। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर बेटा बच्चों में होता है, किस में होता है, ज़्यादातर बच्चों में ये होता है हमारा ब्लू बेबी बीमारी जो देखी जाती है, बच्चों में देखी जाती है। क्या होता है, जब इस तरह का प्रदूषित पानी हमारे बच्चे पीते हैं तो उनका शरीर, स्पेशली होंठ की बात करें, अगर होंठ की बात करें, है ना, होंठ की बात करें, होंठ की बात करें, होंठ की बात करें, लिप्स की बात करें, लिप्स उनके पीले नीले पड़ जाते हैं, लिप्स प्लस बॉडी, है ना, लिप्स और उनका शरीर। और प्रारंभिक लक्षण बेटा शरीर से स्टार्ट होता है, ये कैसे पड़ जाते हैं, नीले कलर का हो जाता है, नीले रंग का हो जाता है, ठीक है। क्यों नीले रंग का हो जाता है, तो आप देखेंगे बेटा कि जो हमारा नाइट्रेट है ये हीमोग्लोबिन के साथ धीरे धीरे रिएक्शन करना स्टार्ट हो जाता है ना, किसके साथ, हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करता है, के साथ अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देता है। और जब यह अभिक्रिया करना स्टार्ट कर देगा, मतलब सडनली बेटा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। और अगर इसकी मात्रा को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारा देखा जाए अंतिम में बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है ना, बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल नाइट्रोजन जो है वो हमारे बॉडी के साथ या हमारे हीमोग्लोबिन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है ना, ये आराम से चलता रहता है, हमारे HB के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। नाइट्रोजन आती है, नाइट्रोजन उतनी ही मात्रा में निकल जाती है, लेकिन नाइट्रेट युक्त पानी हमारा क्या करता है, ये ब्लू बेबी देखा जाए तो बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, उसका इम्यूनिटी लेवल कम हो जाता है, हमारे रक्त में ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की परिसंचरण की जो क्षमताएं हैं वो कम हो जाती है ना। कुछ एक बच्चे ने हमारा फ्लोराइड बताया था, तो देखो बेटा फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है, फ्लोरोसिस रोग होता है। कौन सा बेटा? फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस रोग होता है ना। ये हमारे क्या हो जाता है, पानी में या हमारे देखा जाए जो भी चीज़ें हम लोग खाते पीते हैं उनमें अगर फ्लोराइड की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है तो ये हमारा क्या है देखा जाए तो फ्लोराइड का इफेक्ट होता है। ये हमारे दांतों के लिए ज़रूरी भी होता है, साथ ही साथ ये क्या है हमारे दांतों के लिए हानिकारक भी होता है। तो एक जो ऑप्टिमम मात्रा है उसमें ज़रूरी भी है और अगर ज़्यादा कम है तो दिक्कत पहुँचाता है ना। बताइए आर्सेनिक से बताइएगा, आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है, जरा फटाफट कमेंट के द्वारा सारे बच्चे बताएंगे आर्सेनिक से कौन सा रोग होता है। ठीक है, चलिए, ये नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है बेटा, हमारे ये जो नाइट्रेट है ना, बीरू, ये नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है। ठीक है, जैसे पौधे वगैरह हमने आपको बताया था कि पौधे क्या लेते हैं, नाइट्रोजन को नहीं लेते हैं, नाइट्रेट को लेते हैं। पानी में हमारा नाइट्रोजन नहीं घुलता है, नाइट्रेट घुलता है ना, मिनी माता पारा से होता है। चलिए आगे की ओर आइए, तब से इसका आंसर देते हैं। चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन आवर किसको कहा जाता है ना, गोल्डन आवर किसको कहा जाता है। जैसे आपके 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 जीवन में भी ऐसा गोल्डन टाइम आता है ना, गोल्डन टाइम आप लोग कहते हैं, बहुत लोगों के अलग अलग गोल्डन टाइम होते हैं, गोल्डन टाइम होते हैं ना। जैसे जिसकी जॉब लग जाती है, जॉब लग गई, अपनी मनचाही जॉब लग गई, तो वहाँ पे जो टाइम उनका होता है वो उनका गोल्डन टाइम होता है। किसी की शादी हो रही है तो उसका शादी का ही गोल्डन टाइम हो जाता है, मतलब एक बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा। तो ये क्या है, चिकित्सकीय भाषा में इसको क्या कहा जाता है, बच्चे डी कहते हैं। कैंसर के अंतिम चरण से लड़ना, तो ये तो गोल्डन टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गर्भ में शिशु की जानकारी से, वो तो भाई 9 महीने झेलना ही झेलना है ना। हृदय घात से या फिर वास्तव में बच्चे के जन्म लेने से। अच्छा, कुछ बच्चे हमारे बी बता रहे हैं और कुछ बच्चे हमारे डी बता रहे हैं, है ना। तो ये हमारा देखिए जो गोल्डन आर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है वो हमारा क्या है, हृदय घात से होता है ना। बच्चे के जन्म लेने के बाद आफतें उत्पन्न होती हैं, है ना, और उस टाइम को हम लोग गोल्डन आर कैसे कह सकते हैं, वो तो एक बिल्कुल देख सकते हैं कैसा उठापटक वाला टाइम कह सकते हैं बिल्कुल। उसकी मतलब थोड़े दिन बाद जब वो थोड़ा हंसता है, मुस्कुराता है, तो वो टाइम हम कह सकते हैं। ये अपनी पर्सनल लाइफ की बात है कि कौन सा गोल्डन टाइम है, लेकिन हमारे चिकित्सकीय भाषा में जब हार्ट अटैक आता है बेटा, हार्ट अटैक जब आता है तो उस टाइम पे अगर व्यक्ति को प्रॉपर देखा जाए ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो हमारा टाइम क्या हो जाता है, गोल्डन आवर का। ठीक है, अगर वहाँ पे ट्रीटमेंट मिल गया तो व्यक्ति बच जाता है, अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो जाए। तो उस टाइम को क्या कहा गया है, उस टाइम को गोल्डन आवर कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्टली बच्चों का गलत हुआ है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, पहला वाला आंसर सही था, चलिए कोई बात नहीं, सब सेशन को शेयर करते चलिए बेहतरीन तरीके से। हृदय की धड़कन नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है, हमारी हार्ट बीट के नियंत्रण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, सोडियम सल्फर पोटेशियम या लोहा, कौन सा तत्व हमारा हमारे हार्ट बीट को नियमित करने का काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं। तो देखिए, जो हमारे हार्ट बीट को नियमित करने का काम करता है वो है हमारा पोटेशियम। किसको? हृदय दर को नियमित करता है। किसको बेटा? हृदय दर को नियमित करता है। हृदय दर को नियमित करने का काम कौन करता है? आपके पोटेशियम। और हृदय को हमारे हृदय के जो ब्लड प्रेशर है, किसको? रक्त दाब को, है ना, ब्लड प्रेशर को, रक्त दाब को नियमित कौन करता है? रक्त दाब को नियमित करता है हमारा सोडियम। क्या करता है? रक्त दाब को नियमित कौन करता है? हमारा सोडियम। हृदय की क्रियाविधि को कौन अच्छे से बनाए रखता है? वो है हमारा पोटेशियम। कि हृदय हमारा क्या करे, बढ़िया रहे, मतलब स्वस्थ रहे, अच्छे से काम करे। फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। ये क्या करता है? ये हमारे रक्त को सभी भागों में भेजता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड को क्या करता है, अलग करता है, और बॉडी के सभी भागों से, लंग्स से सभी बॉडी में भेजने का काम करता है ना।
ठीक है चलिए आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, गंधक, गंधक की बहुत कम मात्रा में आवश्यक होती है। सल्फर हमारे शरीर में बहुत मिनिमम मात्रा में आवश्यक होता है, हड्डियों के लिए थोड़ा रिक्वायरमेंट होता है। लोहा मतलब आयरन, ये भी हमारे शरीर के लिए देखा जाए तो आवश्यक होता है, और रक्त के लिए विशेषली आवश्यक होता है। लोहा मतलब आयरन रक्त के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है वो आयरन की प्रेजेंस में ही होता है ना। क्या कहता है, आयरन की प्रेजेंस में ही। अगर आयरन नहीं होगा तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो आरबीसी भी कम हो जाएगा, आरबीसी भी कम हो जाएगा तो हमारा ऑक्सीजन ले जाने वाला जो तत्व है ये हीमोग्लोबिन, ये प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले जाएगा और धीरे 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 क्या हो जाएंगे हम लोग, बस वही। अच्छा चलिए आगे की ओर चलते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, है ना। उपवास की ये परंपरा एक बहुत अनूठी परंपरा है बच्चों, कि लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़ा मतलब पुण्य कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे लगा करता है कि उपवास रख के हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं या तपस्या कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है, चूँकि जब हमारे शरीर में पानी नहीं जाता है, हमारे शरीर में खाना नहीं जाता है, तो हमारे अंग क्या हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, है ना, मतलब इनएक्टिव हो जाते हैं। इनको काम करने की जरूरत है, इनको दिन भर काम दीजिए, ये दिन भर काम करेंगे, लेकिन उस कंडीशन में अगर हमारे बॉडी में एक बार खाना नहीं जाए तो चलेगा, लेकिन अगर पानी नहीं जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। और कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, हमारे गुर्दे में इफेक्ट होता है, क्योंकि ये हमारी जो किडनी है ये ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है, और ब्लड में पानी की ऑप्टिमम मात्रा होनी चाहिए। अगर रक्त में हमारे पानी की कमी हो जाती है तो वह गाढ़ा हो जाता है ना, और देखा जाए तो यूरिन भी अच्छे से देखा जाए तो वो फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, और बहुत सारे तत्व यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगते हैं। तो सबसे ज्यादा उपवास में क्या हमारा प्रभावित होता है, गुर्दा, ठीक है, जो हमारी किडनी है ये सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इसीलिए आप लोग के घर में अगर मम्मी लोग 9-9 दिन का व्रत रखती हैं, है ना, एक अपने बिहार में एक और व्रत होता है, छठ पूजा होती है, 3-4 दिन का बहुत टफ व्रत होता है, तो उनको समझाइए कि भाई पानी आनी पीते जाइए, है ना, नहीं तो आप समस्या बन जाएंगी हमारे लिए। चलिए तो देखिए ऐसे बहुत सारे फास्ट है, जो लोग 9 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन रहते हैं, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए एटलीस्ट फल फूल का जूस और पानी लेते चले, है ना, गुड फॉर अवर बॉडी। आगे की ओर चलते हैं, चलें आगे की ओर, बहुत बढ़िया। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक क्या है? ट्यूमर की पहचान के लिए हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में किसी भी तरह का ट्यूमर, ट्यूमर मतलब क्या, कैंसर बेटा, ट्यूमर मतलब क्या, कैंसर, कैंसर मतलब क्या, ऑन्कोजीन्स, कैंसर मतलब क्या बेटा, ऑन्कोजीन्स जो होते हैं यही हमारे कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर मतलब क्या, कोशिकाओं का परमानेंट विभाजन, विभाजित हो जाना, है ना, अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन, अनियंत्रित कोशिकाओं का विभाजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन, है ना, वही हमारा क्या है, देखा जाए तो ट्यूमर है, कोशिका विभाजन होने लगता है। अच्छा, इसके लिए, इसकी जांच के लिए या देखा जाए इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए यहाँ पे आंसर आप लोगों का आने लगा है। जो हमारा आयोडीन है ये हमारे किसके लिए, थायराइड ग्रंथि से, जो हमारे थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, किसका बेटा, थायरोक्सिन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स, और ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स के सिक्रीशन को नियमित करता है, और इसमें क्या होता है, आयोडीन होता है ना, इसमें आयोडीन होता है, और इसी आयोडीन की मात्रा का पता लगाने के लिए हमारे किसका प्रयोग किया जाता है, आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, कोवाल्ट 60, बिल्कुल कह सकते हैं कोवाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, या फिर आर्सेनिक। कितना बच्चा हमारा कोवाल्ट 60 पे है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसका, ट्यूमर की जाँच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके कोवाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है ना। सोडियम का अगेन हमारे हृदय की गतिविधियों की जांच के लिए, किसका बेटा, हृदय की गतिविधियों की जांच के लिए, किसकी, हृदय की गतिविधियों की जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आपके सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ध्यान में रखिएगा, सारे बच्चे सेशन को शेयर करते चलिए, ये थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके रिविजन के काम
में आती है ना, ये किसके लिए काम में आती है बेटा, रिवीजन के काम में आती है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों से आपको जुड़ना। अच्छा देखो, अरे हाँ ठीक है, चलिए आगे की ओर चलें, आगे की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे की ओर चलते हैं। निम्नलिखित रेडियो एक्टिव में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है, मतलब हमारे बॉडी में बेहतरीन तरीके से ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच के लिए, इसकी जांच के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? सभी बच्चे, सभी बच्चे बताएंगे, रेडियो फॉस्फोरस की, रेडियो आयोडीन की, रेडियो आयरन की, या फिर रेडियो सोडियम की। अच्छा एक और हम, चलो पहले इसका आंसर देख लेते हैं फिर आगे की ओर चलते हैं। और बहुत बेहतरीन बच्चों ने आंसर दिया है, अभी हमने आपको बताया किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम का, सोडियम का। ठीक है, रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए, अच्छे से हमारा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर है ना, रक्त दाब, बहुत लोगों का रक्त दाब कम होता जाता है, रक्त दाब जो हमारा 120/80 होता है ना, 120 की स्पीड से शुद्ध रक्त हमारा जाता है और 80 की स्पीड से हमारा अशुद्ध रक्त हमारे लंग्स तक पहुंचता है, तो इस चीज का नियमन कौन करता है, सोडियम करता है। देखो यहीं पे एक पॉइंट और आपसे पूछ सकता है, यहीं पे एक पॉइंट और पूछ सकता है, ये सोडियम को हटा के अगर कभी भी आप लोग माइंड में बिठाए रखिएगा ये चीज, अगर डी ऑप्शन आपका पोटेशियम भी दे दे, है ना, क्या दे दे, पोटेशियम, दोनों नहीं देता है लेकिन एक देता है, रेडियो पोटेशियम, है ना, सोडियम की जगह अगर रेडियो पोटेशियम दे दे तो आप किसको लगा देंगे, देन पोटेशियम को लगा देंगे। ठीक है, ये हमारे सोडियम, हालांकि पोटेशियम हमारे हृदय की गतिविधियों पर नज़र रखता है, पोटेशियम हमारे हृदय की गतिविधि एज ए न्यूट्रिशन के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन फिर भी अगर सोडियम नहीं दे ऑप्शन में तो आपको फिर क्या लगा देना है, पोटेशियम लगा देना है। ठीक है बच्चा, परेशान नहीं होना, कोई किसी और में नहीं जाना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, ऑंकोजीन संबंधित है, ऑंकोजीन किससे संबंधित है, ऑंकोजीन क्या कारक है, किसके लिए हमारे ऑंकोजीन का प्रयोग किया जाता है, तपेदिक, तपेदिक के लिए, पोलियो के लिए, या पीलिया के लिए, कर्क रोग के लिए, या आंत ज्वर के लिए। तो अभी हमने बिल्कुल आपको बताया, जो हमारे ऑंकोजीन्स होते हैं ये हमारे जीन में परिवर्तन कर देते हैं, और ये किससे रिलेट करते हैं, किससे रिलेट करते हैं, नहीं बेटा ये देखो और थोड़ा अच्छे से देखिए, थोड़ा और अच्छे से देखिए थोड़ा, हाँ बिल्कुल साहिल का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, साहिल बिल्कुल सही, ये हमारे किससे, कर्क रोग, दैट मीन्स कैंसर को रिलेट करते हैं, है ना, कैंसर को, कैंसर से रिलेट होते हैं, किससे रिलेट होते हैं, हमारे शरीर में कैंसर से रिलेट होते हैं, जो हमारे ऑंकोजीन है ये कैंसर का कॉज करते हैं, ये हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक क्या कर देते हैं, कोशिकाओं के, कोशिकाओं का जो विभाजन है उनके विभाजन को अनियंत्रित कर देते हैं, इस वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में कैंसर कॉज होने लगता है, है ना, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन कौन से होते हैं, ऑंकोजीन, कौन से जीन बच्चे हमारे, ऑंकोजीन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा, सत्या, अनिरुद्ध, है ना, सुनील, बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, निखिल, मनोज, सभी लोगों का बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, ये कई बार इनमें डिस्कशन हो चुका है इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लेके चलते हैं ना। आगे चलिए, सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी, सेरेब्रल पॉलिसी एक मस्तिष्क संबंधी बीमारी है जो सामान्य होती है। ठीक है, ये देखिएगा, सेरेब्रल पॉलिसी है क्या, बच्चे का तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाता है, क्या किसमें दिक्कत आ जाती है, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र बाधित हो जाता है, है ना, क्या हो जाता है, तंत्रिका तंत्र में बाधित हो जाता है या तंत्रिका तंत्र गड़बड़ हो जाता है ना, और ये ज़्यादातर कब होता है, ये ज़्यादातर किन में होता है, ये देखिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे हमारे, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे किस में होता है, ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। ठीक है, कब होता है, कब हो जाता है ये ज़्यादातर हमारे 0 से 3 साल के बच्चों के लिए, है ना, 0 to 3 ईयर्स के बेबीज़ को होता है, में होता है, और नॉर्मली ये किस अवस्था में, जब बच्चा गर्भावस्था में है, किस में है, जब बच्चा गर्भावस्था में है, मतलब प्रेगनेंसी स्टेज में, जब बच्चा माँ के अंदर है तब भी ऐसा हो सकता है, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, मतलब
बच्चा अगर नॉर्मल है, कभी कभार क्या होता है बच्चे का सिर दब जाता है ना, बच्चा जैसे जन्म ले रहा है पहले सिर ही निकलता है तो उसका सिर दब जाता है, तब भी हमारा, क्योंकि सिर बहुत उसका देखा जाए हम लोगों जैसा मजबूत नहीं होता, बहुत मतलब सॉफ्टली होता है ना, मतलब इतना मतलब सॉफ्टली होता है कि कहीं कहीं से तो दबा ही रहता है। तो बच्चे के जन्म के समय भी स्पेशली ध्यान देने की ज़रूरत है, किसी भी तरह से जन्म के समय रिस्क ना हो, या फिर छोटे में ही बच्चा कभी गिर जाता है ना, या फिर बच्चा कभी छोटे में ही 0 से 3 ईयर के बीच में अगर उसको कोई गंभीर चोट लग गई है सिर में, तब भी बच्चा हमारा किसका शिकार हो सकता है, सेरेब्रल पॉलिसी का शिकार हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, बच्चे का जो न्यूरोनिक सिस्टम होता है यह सही से नहीं काम करता है, बच्चे का जो न्यूरोनिक सिस्टम है यह सही से काम नहीं करता, और इसी को क्या बोला जाता है, सेरेब्रल पॉलिसी बोला जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? सब लोग सेशन को शेयर करिए, लाइक भी करते चलिए, है ना, आज लाइक की संख्या बहुत कम है, क्वेश्चन तो बहुत बेहतरीन है। सारे बच्चे दिखाइए, कहाँ पे बेटा, हाँ कहाँ पे, गंभीर चोट है यार, गंभीर चोट लग जाती है ना। सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक करिए तो आगे की ओर चलते हैं, है ना, अब उतना समझ जाया करिए, बोल भी तो रहे हैं। चलिए, मनुष्य के अंगों में कौन सी एक हानिकारक विकिरण के सर्वाधिक सुप्रभाव होते हैं, मनुष्य के कौन से अंग में, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यह अभी आया हुआ है ना, यह अभी आया हुआ है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हानिकारक किरणों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला हमारा अंग कौन सा है, और ये हम आपकी तरफ से आंसर चाहेंगे, ये हम आपकी तरफ से आंसर चाहेंगे, क्योंकि आप लोग अक्सर कहते हो मैडम इसका अपने बोर्ड का कलर चेंज कर लीजिए, अपने मोबाइल को डार्क मोड में लगा देते हैं, है ना। अब बच्चा आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा हानिकारक किरणों का प्रभाव हमारे किस भाग में पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बच्चों, किस भाग में पड़ता है भैया? हृदय तो अंदर रहता है ना, तो हृदय में जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है ना। मस्तिष्क भी हमारा अंदर है, बेल कोडेड है देखा जाए, उसमें भी नहीं, फेफड़े भी अंदर है। सबसे पहला जो संपर्क होता है किरणों का वो है हमारी आंखों से, है ना। दिन भर हम लोग टक 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 फोन चलाते रहते हैं, अक्सर आप लोग ऐसा ही करते हैं ना, बिल्कुल मतलब अगर शॉर्ट्स देखने लगे तो फिर ये अंगूठा बिल्कुल चलता ही जाता है आपका, है ना। फिर जब 1-1.5 घंटे हो जाते हैं तब आपको समय का अनुभव होता है, अरे ये समय, या फिर जब आंखों में खुजली या जलन होने लगती है तब आप, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी क्या होती हैं, आँखें होती हैं। बच्चा ध्यान में रखिएगा, देखो इतना नॉर्मल क्वेश्चन था तब भी मैंने ये देखा आपके कमेंट बॉक्स में कि आधे से ज़्यादा बच्चों ने इसको मिस्टेक कर दिया है ना, जब मोबाइल का नाम लिया तब बच्चों का दिमाग खुल गया कि हाँ भाई, अरे मोबाइल तो हम दिन भर चलाते हैं ना। महेश कुमार, हाँ ना, ना चलिए आगे की ओर चलते हैं, बहुत बढ़िया। आदिति राज, एनोशमिया कहते हैं, एनोशमिया किसे कहा जाता है, एनोशमिया देखिए, हाँ बिल्कुल कॉमन बेस्ड ही है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में ना, आपको परेशान नहीं किया जाता है, आपके कॉमन सेंस बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। देखो एनोस्मिया क्या होता है, जो हमारी बेटा नोज होती है ना, जो हमारी नोज होती है इसमें एक रीजन होता है यहाँ पे, ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रीजन। कौन सा रीजन? ऑल्फैक्टरी रीजन होता है ना। अब आप समझ गए होंगे, हमने ऑल्फैक्टरी रीजन का नाम ले दिया तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। ये क्या करता है, ये हमारे शरीर में जो स्मेल आती है, हमारे शरीर में नहीं या कहीं से भी स्मेल आती है ना, गंध को पहचानता है। किसको? गंध को या स्मेल को पहचानता है कि अच्छी स्मेल है या बुरी स्मेल है। तो एनोस्मिया क्या होता है, एनोस्मिया जब ये हमारा ऑल्फैक्टरी रीजन धीरे धीरे उम्र के साथ क्या होने लगता है, वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या फिर कभी कभी अचानक से भी हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त अगर हमारी नाक हो गई तो हमारे घ्राण संवेदना में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। किसमें बच्चा? हमारे घ्राण संवेदना में कमी हो जाती है। ध्यान में रखिएगा, किसमें कमी हो जाती है? घ्राण संवेदना में कमी हो जाने को ही क्या कहा जाता है? एनोशमिया कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, बहुत हल्का हिंट देंगे तो आप बिल्कुल कर लेंगे बच्चों, बिल्कुल आपका दिमाग सबका चलता रहता, बस थोड़ा बहुत आप लोग लगा लेना तो आप
बहुत बढ़िया करके आएंगे। आगे आइए, मिनी माता व्याधि निम्न धातु में से किसके कारण होती है। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोग कह सकते हैं सार्वभौमिक क्वेश्चन जिसको बोले जाते हैं, यूनिवर्सल क्वेश्चन है ना। एक ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी तक में। तो बिल्कुल आप बता देंगे मिनी माता जो है हमारा, मिनी माता किसकी वजह से होता है, हमारे मरकरी की वजह से है ना। मिनी माता किसकी वजह से होता है, मरकरी की वजह से होता है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। इसका बस यही लाने का उद्देश्य ही था कि आप इस चीज को समझ सकें कि हमारा किसकी वजह से होता है। तो बिल्कुल किसकी वजह से, आपका पारा की वजह से। एक और ये क्वेश्चन है, ये भी आपके बच्चा हमारे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में लगा के रखना है ना, ध्यान में लगा लेना है इसको, बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लेना है और फिर आंसर देना है। एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है बच्चा। अब आप लोग पहले इसका बता दीजिए आंसर, इसका पहले सारे बच्चे हमारे ट्राई करेंगे फिर हम इसको बताएंगे आपको। और हम देख पा रहे हैं, और हम देख पा रहे हैं कि बच्चे हमारे बिल्कुल सीसी से बिल्कुल बोर्ड भर चुका है। एक बार और सेशन को शेयर करिए तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखो देखो अभी आपको आंसर मिल रहा है भाई, परेशान नहीं हो। है डायबिटीज जो है हमारी, डायबिटीज किसकी वजह से होती है, रक्त में शर्करा का इम्बैलेंस हो जाता है। रक्त में जो हमारी शर्करा होती है उसकी शर्करा में क्या हो जाती है, शर्करा की मात्रा अनियमित हो जाती है ना। अब मात्रा अनियमित हो जाती है ना, मतलब क्या है, इंसुलिन का जो हमारा सिक्रीशन होता है, स्त्रावण, ये देखा जाए तो ये क्या हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, अनियमित हो जाता है ना। इस वजह से हमारी क्या होती है, डायबिटीज होती है, अनियमित हो जाता है। तो ये किसी भी तरह से तो हमारी एलर्जी लग नहीं रही, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, हैजा और मलेरिया हमारी प्रोटोजोवा जनित है ना, प्रोटोजोवा जनित बीमारी है। आगे रिंग वॉर्म कवक से होती है, दांत खाज खुजली हमारे किससे होती है, कवक से होती है, किससे होती है, फंगल इन्फेक्शन होता है। रिंग वॉर्म जो है वो हमारा फंगल इन्फेक्शन होता है, एलर्जी से बच्चा नहीं होता है। एलर्जी से होने वाली बीमारी कौन सी है, अस्थमा हमारी एलर्जी, मतलब क्या, धूल से एलर्जी हो जाती है लोगों को, धूप से एलर्जी हो जाती है ना, किसी की महक से एलर्जी हो जाती है ना। या फिर देखा जाए अगर वायु प्रदूषित हो गई है, वायु में अन्य गैसें मिल गई हैं, बहुत लोगों को पेट्रोल से एलर्जी, पेट्रोल की जो महक होती है, पेट्रोल या डीजल की महक होती है, इससे एलर्जी हो जाती है। तो ये एलर्जी युक्त जो हमारी बीमारी है वो है हमारी अस्थमा। समझ गए, बिल्कुल। आपने दिमाग तो लगाया लेकिन बाद में लगाया है ना, बच्चों ने हमारे कोशिश तो किया लेकिन बाद में किया, तो फिर क्या, ये तो गलत बात है ना। चूंकि आपको टाइम बहुत कम मिलता है एग्जाम में है ना, पांच सब्जेक्ट करने होते हैं, 5-6 जो भी आपके आते हैं, तो उनमें अगर इतना आप नहीं लगा पाएंगे तो फिर गड़बड़ वाली बात है। फिर भी प्रैक्टिस इसीलिए कराई जा रही है ना, प्रैक्टिस इसीलिए हम लोग करा रहे हैं पर डे, कि आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठें, छोटे छोटे लेकिन मोटे क्वेश्चन। चलिए, कौन सा प्रदूषण नॉक्सी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी होता है, नॉक्सी सिंड्रोम के लिए कौन सा प्रदूषण हमारा उत्तरदायी होता है, इसको भी बताएंगे। हाँ बहुत बढ़िया, अभी अब सभी बच्चों का बहुत अच्छा है, सभी का अस्थमा है, डी है ना, आशीष को बहुत मजे आ रहे हैं। तो ये हमारा पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा नॉक्सी सिंड्रोम के कारण होता है, नॉक्सी सिंड्रोम के कारण कौन सा प्रदूषण नॉक्सी सिंड्रोम। देखो नॉक्सी सिंड्रोम हमारा है क्या बेटा, ये है क्या, ये बेसिकली हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है, किसको, हमारी बोन्स को प्रभावित करता है। हमारी हड्डियां कमजोर होती जाती हैं, क्या अब आप लोग लगा पा रहे हैं, क्या आप लोग अब लगा पाएंगे, हमारी हड्डियां, हमारे दांत, अब आप बिल्कुल लगा लेंगे है ना, हमारी हड्डियां और दांत कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां देखा जाए तो ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाती हैं, हड्डियाँ हमारी ज़्यादा क्या होने लगती हैं, स्पॉन्जी हो जाती हैं, पोरस नेचर की होने लगती हैं और धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, और देखा जाए तो कट कट करके ये क्या होती है, टूटती रहती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि या फिर क्या हो जाता है, हड्डियों में आपके कौन सा तत्व, फ्लोराइड,
अगर फ्लोराइड बढ़ जाता है, फ्लोराइड हड्डियों में बढ़ जाता है या दांतों में बढ़ जाता है, तो हड्डियों में हमारे क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है बेटा, है ना। हड्डियाँ हमारी अपने आप फ्रैक्चर होने लगती हैं, अपने आप टूटने लगती हैं। गिरना तो दूर की बात है, आराम से ऐसे ही हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा नॉक्सी सिंड्रोम है वो किस कौन से तत्व की वजह से होता है, फ्लोराइड की वजह से होता है। फ्लोराइड, बिल्कुल नॉक्सी फ्लोराइड याद रखो, नॉक्सी फ्लोराइड याद रखो, है ना, नॉक्सी फ्लोराइड। और फ्लोराइड फ्लोरोसिस, फ्लोराइड फ्लोरोसिस वो भी आपको याद है ना। अभी मिनीमाता आ गया, मिनीमाता आ गया, है ना, पारा से मिनीमाता, है ना। चलिए आर्सेनिक और कैडमियम से अभी देखेंगे, कोई बात नहीं, आगे आइए, आगे आइए, अभी आएगा उसका भी क्वेश्चन, मैंने आज डाले हैं। निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज के लिए उपयोगी होता है। स्कर्वी रोग की बात की जा रही है, दैट मीन्स आपके क्या है, विटामिन सी की बात की जा रही है ना, विटामिन सी की बात की जा रही है, विटामिन सी की बात की जा रही है, दैट मीन्स आपके स्कार्बिक अम्ल की बात की जा रही है, स्कार्बिक अम्ल की बात की जा रही है, है ना। अब देख लो बेटा, यहाँ पे स्कार्बिक अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, इसमें आपने बहुत बढ़िया अपना दिमाग लगाया, हम यही चाह रहे थे, ठीक है। तो हमारे विटामिन सी के लिए सबसे अच्छा जो सब्सटेंस है वो है हमारा आंवला, वो है हमारा आंवला। ध्यान में रखिएगा, सबसे बढ़िया उपयुक्त सोर्स हमारा क्या है, आंवला। आंवला में हमारा बेटा बायोटीन भी होता है, आंवले में हमारा बायोटीन भी होता है, ध्यान में रखिएगा। तो अगर आपको बालों से संबंधी कोई दिक्कत हो रही हो या बालों में इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब स्कैल्प में इन्फेक्शन हो रहा है, तो बिल्कुल आप आंवले का प्रयोग शुरू कर दीजिए, है ना। बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी आपका आंवला बहुत ज़्यादा देखा जाए तो इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, बायोटीन होता है, ठीक है। आम पपीता बेर ये भी खट्टे कुल के हैं, पपीता तो नहीं है लेकिन आम और बेर खट्टे कुल के पौधे हैं, लेकिन ये हमारा सबसे इफेक्टिव क्या है, आपका आंवला है, ठीक है, ठीक है, ठीक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दिमाग तो है, कोई आंसर पहले लगाता है तो, अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। ओरल सब म्यूकोसिस, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी का ही पूछा गया है, इसको भी लिख लीजिएगा, आपको न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, है ना। 2022 से ये थोड़ा वायरल चल रहा है, आपको मिला भी होगा कहीं ना कहीं, अगर आप लोग पेपर दे रहे होंगे तो आपको मिला होगा। ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी किसके कारण होती है, किसके कारण ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी होती है। क्या मदिरा पान के द्वारा, मतलब शराब पीने से, मदिरा पान का मतलब क्या है, ड्रिंक करना, और ड्रिंक में क्या, ड्रिंक करना शराब पीना, है ना, शराब, वाइन, बियर जो है, वाइन बियर, या फिर महुआ वाली, गांव में तो महुआ वाली चल जाती है ना भाई, तंबाकू के धूम्रपान से, तंबाकू युक्त गुटखा खाने से, या लाल मांस का सेवन करने से, बताएंगे हमारे सारे बच्चे ये किसके वजह से होता है, बताएंगे सारे बच्चे, और जो जिनके घर में, बहुत बढ़िया। अब ये भी एक सोचनीय क्वेश्चन है, क्योंकि आपके घर में, आप मतलब अपने समाज में, घर में तो हो सकता है नहीं खाते हो कोई, लेकिन जब आप चार लोगों के बीच में बैठेंगे तो चार लोगों में वो तीन लोग आपको ऐसे मिल ही मिल जाएंगे जो क्या करते हैं, है ना, समझ गए, अच्छा बच्चे हमारे समझ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, तंबाकू युक्त गुटखा, घर में खाने के लिए हो या ना हो, लेकिन गुटखे के लिए पैसे पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं लोगों को, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है, मुंह में छाले आ जाते हैं, या मुँह कट जाता है बेटा, मुँह में कट लग जाती है ना, जो मुँह में कट लग जाती है, मुँह में, या मुंह कट जाता है, अंदर का जो अंदर वाला भाग होता है, देखो कितना देखा जाए वैसे ही सेंसिटिव पार्ट होता है, और जब आप गुटखा, तंबाकू युक्त गुटखा खाते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसके मुंह में छाले आ जाते हैं, मुंह कट जाता है, और थोड़े दिन बाद अगर उसने बंद नहीं किया बेटा, तो थोड़े दिन बाद क्या हो जाता है, थोड़े दिन बाद खाना नहीं खा पाता, बोल नहीं पाता, अच्छे से बोल नहीं पाता है व्यक्ति, अच्छे से बोल नहीं पाता है। तो जो भी लोग ऐसे हैं या जिनके घर में ऐसी उम्मीद, मतलब जितना मैंने देखा है अभी तक समाज में, तो हर घर में एक दो व्यक्ति ऐसे निकल ही निकल जाते हैं, तो बिल्कुल उनको समझाइए कि अगर आपको अपना जीवन चाहिए ना, तो इन सब चीज़ों को त्याग दीजिए, है ना। चलिए, और प्रचार करने वाले तो है ही हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है, ठीक।
ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, तंबाकू युक्त गुटखा है ना, जैसे रासरी वगैरह आते हैं आप लोगों को पता होगा है ना, और मदिरा पान से, ये हमारा मदिरा पान तो हमारे किसको खराब करती है, ये हमारे लिवर को, यकृत को खराब करती है। किसको खराब करती है? यकृत को खराब करती है, ठीक है, किसको खराब करती है? यकृत को। तंबाकू भी हमारे किसको? मुँह को ही खराब करता है, मुख को ही खराब करता है, लेकिन ये तंबाकू युक्त जो गुटखा होता है, सुपारी वगैरह जो होती है, वो ज़्यादा, हाँ बोलो जुमा केसरी, बिल्कुल कह सकते हैं, उनसे देख के बच्चा और ज़्यादा भ्रमित होता है, उनसे देख के उनको तो बस प्रचार करना है, तो लगता है, और जो देखता है उसको लगता है अरे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ खा रहे हैं, वाई आई एम नॉट। चलिए, तो आप ध्यान में रखिए, अपने आप को ध्यान में रखिए, है ना। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, पीलिया से हमारा कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? बहुत बढ़िया बताएंगे, और बच्चों ने भरमार कर दी है क्वेश्चन की, और पीलिया से हमारा क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल पूछा जाता है, क्या प्रभावित होता है? हमारा लिवर प्रभावित होता है। लिवर में चूंकि क्या बनता है? हमारा वाइल रस बनता है, वाइल जूस बनता है ना, वाइल जूस बनता है, और इसमें आपके बिलिरुबिन है ना, क्या बेटा? बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पिगमेंट होता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पिगमेंट होता है, रूबिन रंग होता है, यह आपके पीले रंग का ही होता है। लेकिन जब हमारा लिवर बीमार हो जाता है, तो इनका बीमार कैसे हो जाता है? जब इनकी मात्रा जो शरीर में है, इनकी मात्रा ज़्यादा देखा जाए तो ज़्यादा हमारे शरीर में बनने लगती है। जब इनकी मात्रा क्या हो, इनकी मात्रा बढ़ जाती है सर हमारे लिवर में, है ना। वैसे तो ये क्या चला जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। मतलब क्या है कि हमारी जो छोटी आंत में है, पूरा वाइल जूस चला जाता है, लेकिन जो हमारा लिवर है, जब हम लोग ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, या देखा जाए जिनको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो ठेलिया लिया के बगल में खाते रहते हैं ना, खड़े होके, है ना, उन सब का लाल मींस क्या होता है, क्या कह रहे हैं? लाल मींस, बंती कुमार, लाल मींस, लाल मांस मतलब, अरे कलेजा, लाल मांस पूछ रहे हैं ना, लाल मांस का मतलब होता है ना, कलेजा खाते हैं, कलेजा है ना, जिगर खा लेते हैं, जिगर हमारा लाल कलर का होता है ना, तो वही है, जिगर को खाते हैं या लिवर को खाते हैं बहुत लोगों को, काफ़ी पौष्टिक होता है, देखा जाए नॉर्मली नहीं मिलता है, ये लाल मांस इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये लाल मांस होता है, लाल मांस का सेवन मतलब कलेजी खाना या जिगर खाना या उसका लिवर खा जाना, ठीक है, जैसे हाँ मुर्गा कह सकते हैं, मुर्गा वगैरह का खाया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो पीलिया के सिम्टम्स दिखाने लगते हैं, और ये हमारा ज्यादातर किसकी वजह से हमारा लिवर डिस्टरबेंस हो जाता है? जो लोग वाइन, बियर, शराब, सिग्नेचर, वोदका, ये सब पीते हैं, या फिर जो लोग आपके फास्ट फूड वगैरह का सेवन ज्यादा करते हैं, मतलब दूषित खाने, दूषित भोज्य पदार्थ लेते हैं, उनसे भी हो जाता है, ठीक है। आगे आइए, एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, हाँ मुर्गा होता है, हाँ बिल्कुल मुर्गा है, मछली है, मछली का भी खाया जाता है ना, कबूतर का खा लेते हैं, कुत्ते का खा लेते हैं, और भेड़ का खा लेते हैं, और वो क्या, एक सुअर जो होती है उसका भी खा लेते हैं। आपको क्या खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट में, यू डोंट नो, है ना, आप देखने तो नहीं जाते, आप सिर्फ ऑर्डर करने जाते हैं, और ऑर्डर में जो आपको मेन्यू में लिखा होता है वो परोस दिया जाता है, और उसके बाद आपको नहीं पता कि ये किसका, देखा जाए कि क्या खिलाया जा रहा है ना। नॉर्मल बड़े बड़े होटलों में तो उनका देखा जाए तो बढ़िया सिस्टम रहता है, लेकिन जो छोटे मोटे होते हैं ये ऐसे ही होते हैं। चलिए, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन ई? बहुत बढ़िया, रिकेट्स हमारे किन में होता है? रिकेट्स हमारे बच्चों में, किस में बेटा? हमारे बच्चों में वैसे होता है, बच्चों में किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से हमारे होता है, ठीक है। लेकिन मुर्गियों में भी किसकी कमी से ही होता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है ना। जो मुर्गियां होती हैं, अगर उनमें इस तरह की क्षमता हो जाती है, तो बिल्कुल वह भी चलने फिरने में असमर्थ हो जाती हैं। साथ ही साथ, अच्छा देखो, रिकेट्स की बात आई है या विटामिन डी की बात आई है, तो बड़ों में कौन सी बीमारी होती है? बड़ों में आपको पता होगा कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, ऑस्टियो ऑस्टियो
ऑस्टियोपोरोसिस होती है। कौन सी हो जाती है? ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी किसमें होती है? बड़ों से, बड़ों में होती है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन बेटा अब आजकल थोड़ा कम आने लगा है। एक आता है विटामिन डी, डी टू क्या होता है? विटामिन डी टू, डी टू के बारे में पूछा जाता है, विटामिन डी टू के बारे में पूछा जाता है और विटामिन डी थ्री के बारे में पूछा जाता है। विटामिन डी टू और विटामिन डी थ्री के बारे में पूछा जाता है। क्या कोई बच्चा हमारा बताएगा विटामिन डी, डी क्या होता है? तो हमारा ये क्या है, विटामिन डी टू है आपका एरिगो कैल्सीफेरॉल, एरिगो कैल्सीफेरॉल है ना। कौन सा है बेटा? एरिगो कैल्सीफेरॉल है ना। कौन सा है? एरिगो कैल्सीफेरॉल है। और डी थ्री क्या है आपका बेटा? कोल कैल्सीफेरॉल। कौन, क्या है बेटा? कोल कैल्सीफेरॉल। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान में रखिएगा, है ना। आपसे ये नहीं पूछा जाता, आपसे ये पूछा जाता है कि किसकी, एरिगो कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है? एरिगो कैल्सीफेरॉल की कमी से कौन सा रोग होता है ना आदिति, राज, बीरू। चलिए तो ध्यान में रखिएगा, विटामिन ए आपको पता है, विटामिन ए की कमी से, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, रतौंधी को छोड़कर दूसरा रोग कौन सा होता है? औरंगाबाद बिहार से, चलिए बताइए। तो रतौंधी को छोड़कर दूसरा रोग कौन सा होता है जिसको आपको याद रखना है, जिसको आपको याद रखना है? सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे, सारे बच्चे हमारे कमेंट में बताएंगे किसका, किसकी आपके विटामिन ए की कमी से क्या होता है। बहुत बढ़िया। विटामिन ई भैया, सपनों का विटामिन, या इसी को क्या बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से बाझपन, है ना, बाझपन, बाझपन स्त्रियों में बाझपन की समस्या हो जाती है। मतलब ये हमारे देखा जाए तो गोनेट्स के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। और जो पुरुषों में होता है, पुरुषों में भी स्पर्म बनना कम हो जाते हैं आपके विटामिन ई की कमी से। बहुत बढ़िया, विटामिन ई ब्यूटी विटामिन भी है, बिल्कुल कह सकते हैं। आगे की ओर आइए, बी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं तो उनको फिर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। सेशन को सब लोग लाइक और शेयर करते चलिए, सब लोग सेशन को लाइक करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और एक एक अभी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक एक, ऐसा नहीं अभी ये विद इन थ्री मंथ्स के पूछे गए क्वेश्चन है, हो गया जीरो थैलमिया। सारे बच्चे सेशन को शेयर और लाइक करें तो हम लोग आगे की ओर चलें, है ना। आपका पार्टिसिपेशन, यू आर माय मोटिवेशन, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। वाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? वाइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? क्या गुर्दा को, तिल्ली को, हृदय को या यकृत को? किसको प्रभावित करता है, है ना, ये किसको प्रभावित करता है वाइट्स रोग? तो बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से देखेंगे ये किसको प्रभावित करता है। तो देखेंगे, इसको एक ना और नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, यूरेमिया, यूरेमिया भी से कहते हैं। क्या आप यूरेमिया से पकड़ पाएंगे आंसर? क्या यूरेमिया से? अरे ये तो तिल्ली, मतलब स्प्लीन होता है ना बेटा, ये तिल्ली हमारा स्प्लीन होता है और ये हमारे क्या करता है, यहाँ पे आरबीसी का कब्रगाह है ना। किसका? हमारा आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, कब्रगाह कहा जाता है, है ना। इसी को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं ना। क्या कहते हैं बेटा? ब्लड बैंक भी कहते हैं, है ना। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे जितने भी आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, सभी चीज़ें बनती हैं और यहीं पे नष्ट भी होती हैं। लेकिन लेकिन अरे भैया, हृदय रोग, हृदय में बाइट्स रोग नहीं होती। अरे यूरेमिया देखो ना, यूरेमिया, अब हमने और थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, यूरिया, चलो अब देखो यूरिया, अब आप लोग लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे बताइए, लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे? यूरिया, यूरिया के लिए कौन काम करता है हमारे शरीर में? अमोनिया और यूरिया। अब लो और थोड़ा सा लगाना, आप ही को है, लगाना आप ही को है। अमोनिया देखो हमारे शरीर में यूरिया के लिए, यूरिया के लिए कौन सा, देखा जाए तो बाइट्स रोग हमारे किस में होता है बेटा? गुर्दे में होता है। किस में होता है? गुर्दे में होता है, मतलब किडनी, किडनी हमारी क्या करती है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है। और देखा जाए जो आपका अनावश्यक पानी होता है या अनावश्यक तत्व होते हैं या डेड एंजाइम या हार्मोन्स होते हैं, वो इसी के थ्रू बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये हमारे जो गुर्दा है ये अच्छे से काम नहीं करता है तो रोग हो जाता है यूरेमिया। किसके बढ़ने से? आपके यूरिक एसिड के बढ़ने से आपका ये हो जाता है यूरेमिया। और किडनी, किडनी में देखा जाए तो अगर यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है तो उसी को क्या बोला जाता है, इसमें क्या होता है, यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है ना।
यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए इसको यूरेमिया भी कहा जाता है। आपके किसके? वाइट्स रोग को ध्यान में रखिएगा। किस रोग को? वाइट्स रोग को। और किसको? प्रभावित अंग क्या है? गुर्दा। प्रभावित अंग क्या है? गुर्दा। प्रभावित अंग क्या है? किडनी। अरे नहीं, लिवर नहीं है, लिवर नहीं है बेटा, लिवर नहीं है, लिवर हमारा नहीं है। जो बच्चे हमारा डी दे रहे हैं, कौन से बॉश है हमारे, ये हमारे डी दे रहे हैं। नहीं बेटा, हमारा लिवर नहीं है, लिवर यूरेमिया से नहीं प्रभावित होता है, हमारा किडनी प्रभावित हो। अरे सिंपल सोचो ना, किडनी ही तो क्या करता है, ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। हमारे शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन भी यही करता है। और जब हमारे इस लिवर किडनी में, अच्छा हम लिवर तो नहीं बोल रहे, किडनी में क्या हो रहा है, जब हमारी किडनी में यूरिया की मात्रा बढ़ जा रही है तो उसी को क्या कहा जाता है? यूरेमिया। और इसी को किस नाम से जाना जाता है बेटा? आपके बाइट्स रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है या नहीं है? चले आगे की ओर। चलिए, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ ना? ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपको पता है। आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना बेटा, तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपने पढ़ा नहीं है, बस आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा और सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होंगे। देखो 10 क्वेश्चन तो वो बहुत इजी डालेंगे, 2-3 क्वेश्चन में तो आपका दिमाग बिल्कुल खा के रहेंगे, मतलब दिमाग लगवा के रहेंगे। चलिए, बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिक अम्ल प्रधान रूप से बढ़ जाता है। अभी हमने बताया यूरेमिया, और जब यूरेमिया या यूरिक अम्ल बढ़ जाता है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? क्या अथोराइटिस या गठिया या फिर संधिवात या फिर रूमेटिक, है ना, रूमेटी या रूमेटिक। तो देखो सभी बच्चे बताएंगे 19 का सी। देखो जो हमारा अथराइटिस होता है ना, अथराइटिस जो हमारी जोड़ होते हैं, जो हमारे बोन्स के जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, इनमें अथाह दर्द होता है। अथाह प्रेम नहीं कह सकते हैं, अथाह दर्द होता है, मतलब चाहे वो हाथ की जोड़ हो, चाहे एल्बो के जोड़ हो, चाहे पेल्विक जोड़ हो, चाहे आपके गडल जोड़ हो, चाहे आपके नीचे नी वाले जो हैं घुटने वाले जोड़ हो, उनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ठीक है। इसी तरह आपकी संधिवात, संधिवात में क्या होता है, जो एक साइनोवियल फ्लूड हमारी उसमें जुड़ा हुआ होता है, किसमें? हड्डियों में होता है। कौन सा फ्लूड? साइनोवियल फ्लूड होता है। ये क्या होता है? धीरे धीरे कम हो जाता है ना, साइनोवियल फ्लूड कम हो जाता है। तो हड्डियों में देखा जाए, हड्डियों में देखा जाए तो क्या है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं इनके बीच में क्या है, ये एक फ्लूड भरा हुआ होता है जिसे हम लोग साइनोवियल फ्लूड कहते हैं। इसकी मात्रा कम हो जाती है जिसकी वजह से दर्द उत्पन्न हो जाता है। आपके घुटने मुड़ते नहीं है ना, ज़्यादातर ये घुटने में होती है और घुटने मुड़ते नहीं है तो संधिवात भी नहीं है। देखो आपकी जब यूरिक अम्ल बढ़ जाता है ना शरीर में, जब शरीर में यूरिक अम्ल बढ़ता है तो अरे भाई इतना कॉमन मतलब आंसर था, कौन सा रोग हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। कल भी इसके बारे में बताया था, कौन सा रोग? गठिया रोग, है ना, क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, अच्छा 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 चलो इंग्लिश में अथराइटिस दिया, अथराइटिस अर्थराइटिस दो दो दिया है, चलो तो इसको मतलब ये दोनों एक ही हैं लगभग। आपका संधिवात और अथराइटिस जो जॉइंट्स में जोड़ होता है और उसमें स्पेशली देखा जाए तो साइनोवियल फ्लूड सूख जाता है, लेकिन यूरिक अम्ल के बढ़ने से हमारा क्या होता है? गठिया रोग होता है। और ये ज़्यादातर आपके घुटनों में होता है बच्चा, ठीक है, आपके नहीं, जिनकी उम्र लगभग 45-50 साल से ज़्यादा हो गई है उनमें ये देखने को मिलता है। और इसका एक ही इलाज होता है घुटने का, देखा जाए तो बदलाव या दूसरा घुटना लगवा दिया जाए, ट्रांसप्लांट करा दिया जाए दूसरा घुटना, है ना। तो यही इसके कुछ उपाय हैं, बाकी कुछ दवाइयाँ, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर इस तरह की कोई बीमारी एक बार हो जाती है आपका। नहीं, हमारे उम्र में नहीं होता है, है ना, अभी तो कहाँ ही उम्र ही कितना हुआ है। चलो चलिए अभिषेक जी, आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं, हाँ ऑपरेशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? सफ़ेद कली, है ना, मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन। नत्रजन का मतलब क्या है बेटा? नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, जिंक। चलिए चलिए आइए, नाइट्रोजन की कमी से, जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से, या फिर आपके मैग्नीज की कमी से, सारे बच्चे बताएंगे। ये भी अभी का पूछा गया
हाँ उतनी भी नहीं है। चलिए इधर आइए। ये हमारी किसकी कमी से होता है? नत्रजन की कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से, या फिर आपके मैग्नीज की कमी से। अरे यहाँ पे आओ, उसमें कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे आइए और सारे बच्चे बताइए कि ये हमारा किसकी कमी से होता है। चलिए आपके आंसर आने लगे हैं, बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। मतलब मिले जुले आंसर जब आते हैं ना, तब लगता है कि हाँ बच्चा ईमानदारी से काम कर रहा है, और जब मिले जुले नहीं आते ना, एक जैसे आंसर आते हैं, तब फिर वो भी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, ये किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। यहाँ पे जो आपका मक्का का पौधा है, मक्का का पौधा छोटा हो जाता है ना, बौना हो जाता है, बौनापन आ जाता है ना, ड्वार्फिज्म आ जाता है, या फिर इसकी पत्तियां भी जो होती हैं, पत्तियां भी छोटी छोटी हो जाती हैं ना, पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं ना, छोटी छोटी क्या हो जाती है, इसकी लीव्स भी हो जाती हैं, और जो हमारा पौधा है पूरी तरह से क्या हो जाता है, धीरे धीरे सूख जाता है ना। कॉपर बच्चे कुछ बोल रहे थे हमारा सी, तो नींबू का डाईबैक रोग है ना, नींबू में डाईबैक रोग जो होता है, डाईबैक रोग वो किसकी कमी से होता है बेटा? कॉपर की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल बहुत बेहतरीन, सेशन को सब लोग शेयर करिए बहुत बेहतरीन तरीके से। जनसंख्या में कमी नहीं होना चाहिए, हम भारत में, हम विश्व में नंबर वन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे भी नंबर वन पे आना चाहिए, है ना। आइए, पायरिला रोग किस फसल का कीट है? पायरिला, ये हमारा एक कीट होता है, पूछा गया है किस फसल का कीट है, क्या गेहूं का, चावल का, गन्ना का, या सोयाबीन का, बताएं भाई क्या कह रहे हैं। हैं, चलिए इधर आइए, बताइए। ये हमारा पायरिला एक रोग होता है, ये कीट है ना, कीट है बेसिकली, और ये किस में होता है? ये ज़्यादातर आपके गन्ना के पौधों में देखने को मिलता है। किस में बेटा? गन्ना के पौधों में देखने को मिलता है। और ये क्या होता है, ये गन्ने के पौधे में घुस जाता है ना, पौधे में घुस कर क्या करता है, घुस कर उसका पूरा रस ही पी जाता है ना, घुसकर गन्ने का रस पी जाता है। क्या ही दिक्कत हो रही है इनको, हैं? चलिए, गन्ने में घुसकर क्या होता है, गन्ने का रस पी जाता है, और जब रस पी जाएगा तो क्या हो जाएगा, रस पी जाता है ना, और साथ ही साथ गन्ना धीरे धीरे सूखने लगता है, सूख जाता है ये, इतना भयंकर देखा जाए तो कीड़ा है। तो ये किसको प्रभावित करता है? गन्ने को प्रभावित करता है। किसको? बिल्कुल शुगर केन को प्रभावित करता है। किसको बेटा? शुगर केन को प्रभावित करता है ना। कोमल कुमारी बहुत बढ़िया, टीवी लाल वाला तो वो रेड रॉट शुगर केन अलग है ना, ये एक कीट है, वो इसकी वजह से नहीं होता, वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है ना। चलिए आगे की ओर, सफ़ेद किट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफ़ेद किट, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये सारे ही पूछे गए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। किस में होता है? गेहूं में, सरसों में, चावल में, या फिर बाजरा में? सफ़ेद किट रोग, कितने क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे आपके मनीषा। सफ़ेद किट रोग किस में होता है, तो फटाफट देखेंगे ये किस में होता है ना, कवक है, और इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है आपका सिस्टोपस कैंडिडा। क्या कहा जाता है? कैंडिडा। अब आपको पता नहीं होगा, चलिए ये किस में होने वाला रोग है, ये हमारे सरसों में होता है। किस में होता है? सरसों में होता है। कुछ भी लगा रहे हैं ना, कुछ भी चल रहा है मैम। चलिए, कहाँ पे होता है बेटा ये? सरसों में होता है, और किस फंगस के कारण होता है ये? आपके सिस्पोसस, आपके कैंडिडा के कारण होता है। किसके कारण होता है ये? आपके होता है सिस्टोपस है। अरे भाई थोड़ा सा देखिएगा, सिस्टोपस है ना, सिस्टोपस कैंडिडा के कारण होता है। कौन सा कवक है? सिस्टोपस कैंडिडा के कारण होता है। सरसों के बीजों को प्रभावित करता है। सरसों के बीज बहुत छोटे हो जाते हैं, एक तो वैसे ही छोटे छोटे रहते हैं, और अगर ये सारी चीजें उनमें लग गई, फंगल अंगल, तो फिर बीज गायब है ना, बीज गायब, फली बनती है, बीज गायब।
हाँ बिल्कुल अभिषेक, चलिए बहुत बढ़िया। गेहूं में पाए जाने वाले दो प्रमुख कवक रोग कौन से हैं? गेहूं में पाए जाने वाले दो कवक रोग कौन से हैं? अब ये तो देखो, ये नहीं गलत होना चाहिए, है ना। सभी लोग, ज़्यादातर लोगों ने गेहूं को देखा होगा, खाया होगा, है ना। और कल वैसे भी 2 जून थी, तो 2 जून की रोटी सभी कमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ, सरसों और गेहूँ लगभग ज़्यादातर साथ ही साथ उगा दिया जाता है। तो गेहूँ में कौन सा रोग होता है? काला किट और स्मट, स्मट नहीं होता है बेटा। श्वेत किट और स्मट, स्मट नहीं होता है। स्मट और पर्ण कुंचन नहीं होता है। तो ये हमारा क्या है बेटा? काला किट और श्वेत किट। बहुत बढ़िया, कौन सा है बेटा? काला किट और श्वेत किट। और काला किट किसकी वजह से होता है? आपका परसीनियस ग्रैमिनस TTI। काला किट किसके कारण, किसकी वजह से होता है? परनीसियस ग्रैमिनाई टिटिकस, है ना, ट्रिटिकस के वजह से होता है। इसका जो कवक है ये काला किट का, ये परनीसियस, आपका परनीसियस, यस कर लीजिए भाई, परनीसियस ग्रैमिनाई टिटिकस की वजह से होता है। किसकी वजह से? परनीसियस ग्रैमिनाई टिटिकस की वजह से होता है। और जबकि आपका जो काला किट, श्वेत किट गेहूं में होता है, जरा एक बार देखिएगा एक बार। बहुत बच्चा हमारा सारा डी डी ही लगा दिया है, इसका डी नहीं होगा भाई ये। अरे श्वेत किट, हाँ गड़बड़ हो गया। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखिए, एग्रीकल्चर पढ़ा नहीं है। देखिए तो इसमें एक तो ये काला किट हमारा है, लेकिन ये श्वेत किट इसमें नहीं होता है। श्वेत किट आपके बाजरा में होता है। एक जो है बेटा इस्मट होगा, तो इसका मेरे हिसाब से यही बनना चाहिए, काला किट और इस्मट, है ना, इस्मट होता है। क्योंकि ये हमारा इस्मट जो ग्रैमिनाई कुल का होता है, बिल्कुल विनोद कुमार, जो आपका ये ग्रैमिनाई कुल का पौधा होता है, यहीं पे ये हमारा क्या होता है, देखा जाए तो ये फैलता है ना, ऑस्टियोलेगा नोडी ग्रैमिनाई के कारण होता है। और ये क्योंकि ये कवक की वजह से नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ पे ऑप्शन सही करिएगा थोड़ा सा, ये हमारा ए होगा, है ना। बिल्कुल क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये थोड़े बहुत कभी कभार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। आप इसको लगाइएगा ऑप्शन ए, स्मट सही है ना, ये आपका वाइट किट नहीं है, इसको सही करिएगा। हाँ अभी सोच रहे थे, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे थे अभिषेक, ये स्मट सही है ना, स्मट आपका सही है, आपका श्वेत किट सही नहीं है। क्योंकि ये फंगस के, ये फंगस फंगस की वजह से नहीं होता है, कवक की वजह से नहीं होता है, ये नॉर्मल एक कीट होता है जिसकी वजह से होता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। करनाल बंट साइंस का और पादप बायोलॉजी का, प्लांट बायोलॉजी का एक, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका, करनाल बंट रोग किसकी वजह से होता है? करनाल बंट के बारे में पूछा गया है कि करनाल बंट हमारा किसकी वजह से होता है। तो ये हमारा किस में होता है? ये भी हमारा एक फफूंद जनित, तो आपका देखा जाए गेहूं, है ना, करनाल बंट, हाँ बिल्कुल, जो आप करनाल बंट है ये किसकी वजह से, किस में होता है? गेहूँ की वजह से, गेहूँ में होता है। और किस कवक की वजह से होता है? तो ये हमारा टेलीसिया इंडिका, किस कवक की वजह से होता है? कवक जो है हमारा वो कौन सा है आपका? टेरिसिया इंडिगो, है ना, इंडिगो कवक की वजह से आपका होता है। करनाल बंट होता है किसमें? आपके गेहूं में होता है। किसमें है बच्चा? हमारे गेहूं में होता है। अच्छा पहली बार नाम सुना है, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आगे की ओर, धान का टुगरो विषाणु प्रसारित होता है। धान में टुगरो वायरस बेटा लग जाता है, जिससे धान हमारा पौधा तो अच्छा दिखता है, लेकिन उसके बीज नहीं होते हैं, है ना, बीज नहीं बन पाते हैं अच्छे से, या बीज देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, जो हमारा चावल होता है, धान से ही भैया चावल बनता है, है ना। तो ये क्या है? तना छेदक है, गंधी छेदक है, या फिर आपका गालिज्म है, या हरी पत्ती के फुदके द्वारा होता है। तो ये किस में हो जाता है? पत्तियों में हो जाता है, और पत्तियों के साथ साथ ये फूलों को भी प्रभावित करता है। नहीं, तने को प्रभावित नहीं करता है, पत्तियों को प्रभावित करता है और बीजों को प्रभावित करता है। ऊपर से आपका पौधा बहुत बढ़िया दिखाई देगा, है ना, ऊपर से बढ़िया हरी हरी पत्तियाँ दिखाई देंगी, तना बढ़िया दिखाई देगा, एक जो लंबाई होती है धान के पौधे की वो लंबाई भी दिखाई देगी, लेकिन 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 अंदर से वो पत्तियों को खाता है, और साथ ही साथ किसको ख़त्म
करता है, उसके बीजों को ख़त्म करता है, है ना। और ये हमारा देखा जाए तो ये दो तरह के वायरस होते हैं, RVTV होता है और RSTV होता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान में रखिएगा, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं बच्चा हमारे, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं जिनको हम लोग नए मंडे से स्टार्ट करेंगे उनको, है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। चलिए सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं ये भी आप बताया करिए, है ना। और चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बढ़िया बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।